बानी पीटीआई को साइफर केस में रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। शामिम कुरैशी की भी जमानत मंजूर। अदालत का 10-10 लाख रुपए की जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुवत को कैसे फ़ायदा पहुंचा? जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? शामिम कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं, आज जेल से रिहा होने का इम्कान। मेहरबानो कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साइफर केस का कोई सर पैर नहीं है, ये इंतकाम पर मबनी केस था। मैरिट पर बानी पीटीआई और मेरे वालिद को जमानत मिली है। अच्छा होता ये जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिल जाती। वकील अली बुखारी ने कहा, शामिम कुरैशी को मजीद जेल में रखने का कोई जवाब नहीं, जमानती में चल के जमा कराने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ला खतरे में, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला आज ही सुनाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गुज़श्ता रोज़ आज फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, आज निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। इंतखाबात में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट का आज भी इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर रजाला करने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों का मुतालबा मान लिया। उम्मीदवार अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। मखसूस नशस्तों की तरजीही फहरिस्तों की तारीख भी बढ़ा दी गई। सियासी जमातें 24 दिसंबर तक फहरिस्तें दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 या 30 दिसंबर तक की जाएगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और JUI ने कागजाती नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इंतखाबी दंगल में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, तफसीलात मंजर आम पर। नवाज शरीफ ने NA 130 से भी कागजात हासिल कर लिए। मरियम नवाज का कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। PP 150 से कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। हनीफ अब्बासी और दानियाल चौधरी रावलपिंडी से मैदान में उतरेंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 71, PP 46 और 47 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उधर नवाज शरीफ की सिरे सदारत मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की मॉरल टाउन में अहम बैठक, लीगी क्यादत के कागजात नामजदगी के हवाले से बातचीत की गई। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। जहांगीर तरीन और अली तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 155, PP 227 और PP 228 से कागजात जमा करा दिए। ओन चौधरी और अलीम खान लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक नौशहरा से मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार और अरशदा वोहरा का कराची से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक स्पीकर असद कैसर NA 16 से किस्मत आजमाई करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का इम्कान। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से किस्मत आजमाई करेंगे। खुर्शीद शाह NA 201 सक्कर से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी और आसिफ रजवाना मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध की मखसूस नशस्तों पर शर्मिला फारूकी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं सियासी जमातों के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं कर सकता, तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं।
कागजाती नामजदगी जमा कराने में रुकावट, शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से रिजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी, दरख्वास्त पर जल्द समाअत मुतवक्के। दरख्वास्त में मौके पर अख्तियार किया शाह महमूद कुरैशी एन 150, मेहरबानो कुरैशी के एन 152 से कागजात बिला रोक टोक जमा किए जाएँ। जैन कुरैशी के एन 151 और पी 218 से बिला रोक टोक कागजात जमा करने की इस्तदा। बैंकों की पीआईए को कर्ज के लिए कड़ी शराइत नामंजूर, हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया। हुकूमती जराए के मुताबिक 6 बैंकों के कंसोर्शियम ने 15 अरब के नए कर्ज की फरहमी के लिए कड़ी शराइत रख दी। 2 तैयारें जमानत के तौर पर रखवाने की शर्त रियायत की गई। हुकूमती मुश्तरका कमेटी भी काबिल कबूल हल देने में नाकाम, हुकूमत चाहती है कौमी एयरलाइन की निजकारी तक उसे काबिल अमल रखा जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स में 112 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 62,805 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी, इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 282.58 रुपये का हो गया। गुजश्ता कारोबारी रोज डॉलर 282.79 रुपये पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 284.25 रुपये पर लेन देन जारी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए SIFC के इकदाम जारी, आइंदा 5 साल में 48 अरब डॉलर सरमाकारी का हदफ, तवानाई मादनियात और ज़रात समेत 30 से जायद मनसूबों की निशानदही। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में गैर मुल्की सरमाकारी की मंजूरी मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। गैस पाइपलाइन, गवादर बंदरगाह पर टर्मिनल्स की तामीर मनसूबों में शामिल, कॉरपोरेट फॉर्म्स के लिए भी गैर मुल्की सरमाकारों को पेशकश। मादनी वसाइल और अपराधी क़ुव्वत के लिहाज से पाकिस्तान में वाफर मौके मयसर हैं। सेशन कोर्ट में मुबैना गैर शरई निकाह केस, बुशरा बीबी अदालत में पेश न हो सकी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया, केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेशी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, आपने गिरफ्तार लोगों को कहाँ भेजा, आपने भेजा क्यों, वो इस्लामाबाद रहें, पुरमन एहतजाज करें या वापस अपने घर जाएं, उनकी मर्जी। आईजी इस्लामाबाद बोले, गिरफ्तार खवातीन I-10 में हॉस्टल्स में हैं। अदालत ने कहा, आपने जहां उनको रखा है वकील को जगह का पता दें। गलत बयानी पर वकील दरख्वास्त गुजार की आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा।